ठीक है, फिफ्टी ओके हंड्रेड प्रोस्पेक्ट, 200 प्रोस्पेक्ट में और बनाना चाहता हूँ, जिनसे मैं वन टू वन ठीक है मैं गुड। बाद में बात कर सकूँ इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है बढ़िया। तो कल आपने ये वाला जो वीडियो बनाया है, इसको बनाने में आपको कितनी देर लगी? सर इसको सही बताऊं मेरे को मतलब आधा घंटा तो लग गया था, क्योंकि कुछ तैयारी वारी आधा करने घंटा में पहली अब बार बनाया था इस वजह से लगा। नहीं हाँ नहीं सर टोटलिटी मतलब शर्ट निकाला, टाई निकाला, प्रेस किया, तैयार हाँ हुआ, हाँ शेविंग करी, अच्छा सारा ओवरऑल मतलब आधा अच्छा घंटा लगा। ठीक है ठीक है बढ़िया, अच्छी बात है, गुड, अच्छी बात है। आपने बढ़ाया, आपने कल वीडियो बनाया सेल्स करने के लिए, पॉलिसी बढ़ाने के लिए, आपने अपने कस्टमर्स को भेजने के लिए एक वीडियो बनाया, छोटा सा 2 मिनट का इंट्रोडक्शन वीडियो कि हाँ इंश्योरेंस का पॉलिसी क्यों चाहिए। आप किसी को फोन करते हैं, वो उठाएगा नहीं उठाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, उठाने की पोजिशन में है या नहीं है उसका पता नहीं होता है। आप किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कुछ गारंटी नहीं है। आप किसी को विजिट करते हैं, उसका भी कोई गारंटी नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन ये वाला जो वीडियो इंट्रोडक्शन है, या तो बोलते हैं वीडियो प्रेजेंटेशन है, या तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि वीडियो पिच है, ये जो 2 मिनट का जो वीडियो पिच आपने कल बनाया, बना के आपने लोगों को भेजा, तो लोगों को आजकल ना वीडियो कंजम्पशन की लोगों को शौक हो गया है। लोगों को अच्छा लगता है कि मैं फेसबुक पे, वो फोन पे भले किसी को 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट बात करें ना करें, लेकिन फेसबुक पे 2 घंटे लगा लेंगे। वो किसी को फेस टू फेस या तो पर्सनल मीटिंग में शायद 5-10 मिनट 15 मिनट किसी को बात करें ना करें, लेकिन घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा व्हाट्सएप पे जुड़ा लेंगे। सोशल मीडिया कुछ लोगों की जिंदगी के अंदर रियल लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि राइट सोशल सर मीडिया लोगों की लाइफ में हाँ रियल लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो आपने ये अच्छा काम किया कि आपने एक अपना पर्सनल वीडियो बनाया, लेकिन आपने पहली बार बनाया, पहली बार ही बनाया ना आपने? नहीं सर, इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियोस बनाई थी फॉर माय सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर माय कंपनी। जी ठीक है, बट अच्छा, एल आई सी और सेल्स के लिए मैंने पहली बार बनाया था। पहली बार बनाया। तो पहली बार बनाने से आप 50 लोगों तक पहुंच पाए, उन 50 लोगों को आप अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दे पाते, नहीं पाते, मिल पाते, नहीं मिल पाते, कम से कम पूरा ऐसा भी करते हैं, आप उनको वो चीजें समझा पाए तसल्ली से, जो कि शायद फेस टू फेस में पता नहीं कभी समझा पाए थे या नहीं समझा पाए थे। ये वीडियो इंट्रोडक्शन आपने बहुत ही शानदार चीज बनाई है, मैंने भी कल अपना YouTube चैनल पर डाल दिया था। हमारे बाकी के साथी अभी यहाँ पर हैरान हो रहे होंगे कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, कि उन्होंने ये वाला वीडियो देखा नहीं है, मैंने अभी तक किसी को भेजा नहीं है। और बाकी भी साथी इस तरीके का वीडियो इंट्रोडक्शन अपना कुछ ना कुछ बनाए। आजकल लोगों के पास सुबह से शाम तक मैं देखता हूँ कि चाहे उनके पास जितने मर्जी इंपॉर्टेंट काम हो, फिर भी वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप का चाहे कोई फालतू से फालतू वीडियो भी हो देखेंगे जरूर, चाहे वो 3 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। अच्छा, यूट्यूब का कमाल ये है कि चाहे बस स्टैंड पे लोग खड़े हैं, चाहे मेट्रो के अंदर खड़े हैं, चाहे ऑटो में हैं, चाहे बस की वेट कर रहे हैं, चाहे दफ्तर में बैठे हैं, चाहे घर में बैठे हैं, चाहे टॉयलेट में बैठे हैं, यूट्यूब के वीडियो देख रहे होते हैं, फेसबुक के वीडियो देख रहे होते हैं। तो आजकल वीडियो सेलिंग की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। और वीडियो के द्वारा आपने अच्छा किया ये सब बनाया, लेकिन आपको यदि इसको पावरफुल तरीके से इसके थ्रू पॉलिसी बेचनी है, पहली बात तो आप ये मत उम्मीद करिए कि मैंने वीडियो बना के 50 लोगों को भेजा तो मेरे को धड़ाधड़ पॉलिसियों की बारिश होने लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर व्यक्ति के पास रोजाना 10-15-20-25-50 वीडियो डेली अलग अलग जगहों से आते ही आते हैं, और उन सर वीडियोज का क्या करना है, वो ना तुरंत क्या होता है, वीडियो आते हैं और डिलीट होते हैं। लोगों को फोन स्पेस की भी प्रॉब्लम है कि फोन के अंदर लिमिटेड स्पेस होता है, वीडियो आया डिलीट कर दिया, ये भी एक समस्या रहती है। तो आप लेकिन हाँ, इस वीडियो का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपका जरूर पड़ेगा। लोग 2 मिनट इसको देखें, भले ही 1 मिनट देखें, भले ही 30 सेकंड देखें, 10 सेकंड देखें, 5 सेकंड देखें, लेकिन इसका बहुत ही शानदार असर जरूर पड़ने वाला है। आप यदि हमारा जो व्हाट्सएप का टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें भी यदि आप डाल दें, तो बाकी लोग भी शायद थोड़ा सा अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके का शानदार आपने वीडियो बनाया। और मैंने सजेशन भी आपको जो भी छोटे मोटे कुछ मैं दे सकता था मैंने आपको दिए थे, तो आप रोजाना इस तरह का बनाएं।
और रोजाना बना बनाकर लोगों को भेजें। इसके अंदर LIC के बेनिफिट्स, आपको LIC पॉलिसी क्यों कराना चाहिए, भले ही बच्चों की शादी के लिए क्यों कराना चाहिए, भले ही बच्चों की पढ़ाई के लिए क्यों कराना चाहिए, भले ही आप उसमें रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें, भले ही आप उसमें सेविंग की बात करें कि जी 100 रुपये पर डे आप बचाइए आपको 22 लाख रुपए मिलेंगे, भले ही आप उसमें टैक्स सेविंग की बात करें, भले ही आप उसमें जो मर्जी बात करें, लेकिन कुछ ना कुछ फायदे की बात करेंगे तो लोग इसमें कुछ ना कुछ देखने में लोगों का इंटरेस्ट रहेगा। तो लोगों का इंटरेस्ट यदि आप बना पाते हैं तो डेफिनेटली वो आदमी आज नहीं तो कल कभी ना कभी खरीदता है। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में लोगों को हमें रोजाना कुछ ना कुछ काम की बात भेजनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने काम की बात भेजी है जी, उनको लगता है कि मैंने काम की बात भेजी है, कुछ ना कुछ काम की बात भेजते हैं कि अच्छा ऐसा करो कोरोना आपके पास नहीं आएगा। जिसको मिलती है वो बेचारा दुखी हो जाता है, वो बेचारा कहता है यार कोरोना पे यार इतनी मेरे को ढेर चीजें आ चुकी है, एक और आ गया। तो कभी कभी हमको लगता है कि कुछ हम अच्छा भेज रहे हैं लेकिन उसका नतीजा उल्टा भी हो जाता है। जिसको मिलता है उसको लगता है क्या यार इनको कोई काम नहीं है, फालतू चीजें भेजते रहते हैं। तो हमें कई बार ये भी देखना होता है कि हम अपनी तरफ से भले ही अच्छा समझ के भेज रहे हैं लेकिन जिसको मिल रहा है उसको खराब भी नहीं लगना चाहिए। तो हाँ, ये वाली चीज अच्छी है, आप इसको कंटिन्यू करिए। रोजाना एक ना एक वीडियो बनाकर आप इसका, आपके पास ढेर सारे मीडिया अवेलेबल हैं, आप व्हाट्सएप पे इवन जो ढेर सारे ग्रुप्स हैं आपके पास, ग्रुप के इंडिविजुअल एक एक मेंबर को आप अलग से भेज सकते हैं। आप ग्रुप में भेजेंगे कोई एक आध आदमी कुछ ना कुछ बोल सकता है, या तो एक ही ग्रुप में रोजाना इस तरह का वीडियो भेजेंगे तो शायद एक आध आदमी कुछ ना कुछ बोल सकता है, ऐसा क्यों भेजा वैसा क्यों भेजा, है ना। लेकिन आप पर्सनली भेजेंगे, अच्छा ग्रुप के अंदर लोग रिस्पॉन्ड करने की गारंटी नहीं होती है, आप किसी को पर्सनल भेजेंगे तो वहां से रिस्पॉन्स की गारंटी हो सकती है कि हाँ पर्सनल इंडिविजुअली आप किसी को भेज रहे हैं तो वहां से कुछ ना कुछ अच्छा रिस्पॉन्स होने की गारंटी आ सकती है। वो आदमी खुल के आपसे बात कर सकता है और पर्सनली आपको बुला सकता है। राइट सर, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंस्पिरेशन एंड योर गाइडेंस, बिकॉज ऑफ दैट मैं ये कर पाया। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम, ऑल द बेस्ट। इसको बेचने का अकेला तरीका ना समझिएगा, ये सिर्फ एक एडिशन के तौर पर आप इसको लीजिएगा, आप इसको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पर समझिएगा कि हाँ आप अपने आप को लोगों को एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बस इतना सा समझिएगा। बेचना फिर भी हमें बेचने के तरीकों से ही है। तो सर अपने पहले वाले एफर्ट तो वैसे ही डाल रहे हैं जैसे कर रहे हैं। हाँ, वो सब हमको ध्यान रखना है, बेचना जो है वो बेचने के तरीकों से भी हमारा चलता रहेगा। और आपके सब कुछ अच्छा भले ही बढ़िया चल रहा है, सब ठीक चल रहा है? हाँ सर भाई, गॉड नहीं सर, बस सब ठीक है भाई, गॉड ग्रेस एवरीथिंग इज फाइन एट होम। बात है, गॉड ग्रेस रहनी चाहिए, भगवान जो है सबको ठीक ठाक रखे, सबको हेल्दी रखे। राइट सर जी, थैंक यू सर। और कोई, वेलकम सर, वेलकम। और कोई साथी बताना चाहेंगे? अग्रवाल साहब आप यहाँ पर आए, बढ़िया लगा। मनीष जी आप यहाँ पर आए, आपका स्वागत है। आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे चल रहे हैं आपके उसमें? नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल है मनीष जी? थैंक यू सर, बढ़िया सर एकदम। और सर बढ़िया लगा आपको टाइम है देख के, प्रोफेशनल, भले ही अपनी टीम के साथ मीटिंग है तब भी तो एकदम प्रोफेशनल तरीके से। तो मेरे ख्याल से हमारी पिछले 50 बार यदि हम जूम पर मिले हैं, मेरे ख्याल से 50 की 50 बार शायद टाइम में ही शायद आप। बिल्कुल सर, और यही मेरी हैबिट बन गई सर कि जब भी घर से निकलो टाइम में ही हमेशा। घर से निकलो तो सीधा तब भी टाइम लेगी। हाँ, कैमरा मतलब कि आप घर से निकल चुके हो। बिल्कुल सर। और दूसरी बात है, ये मैंने वहाँ पे सीखा था, साजिन सर का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, तो वो कहते मुझे टाई पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, तब भी पहनता हूँ और जब मुझे भी डेथ बोले जब भी डेथ होगी तब भी मैं टाइम में मिलूंगा अगर मैं फील्ड में हूँ। तो मैंने देखा ये मतलब इतना एक एक चीज को लेके इतने वो है, तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो उसी दिन से फिर ये वाला मैंने तरीका शुरू किया। फिर जो राजेश टैगोर जी का कि भाई सूट में होने चाहिए, ब्लेजर में होने चाहिए, तो उस दिन से फिर ऑनलाइन है तो वो भी शुरू कर दिया।
कि ऑनलाइन किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वीडियो कॉल पे या बाहर जा रहे हैं, तब भी बोले चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो कुछ नहीं चलेगा, होना चाहिए तो होना चाहिए। उसके बाद फिर हमारा बाकी की चीजें आती हैं सर। सबसे पहले तो ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग है तो हमारा जो भी कुछ है, जैसे कहा जाता है कि 70% इम्प्लीमेंटेशन और 30% नॉलेज चाहिए होता है, तो आजकल मेरा गूगल सर्वे फॉर्म सारा सोशल मीडिया का जो कोर्स ज्वाइन कर रखा है अतुल गायकवाड़ जी का। गायकवाड़ जी का? यस सर। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है, विश ऑल द बेस्ट। तो कैसे पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं एक रूम में बैठ के, जी इस तरह का कोर्स है। और देखा मैंने कि भाई बहुत ही कम मेहनत में स्मार्ट तरीके से काम करके पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, जितने भी NRI है उनके साथ कनेक्ट रह सकते हैं एक जगह बैठ करके। और जी। कैसे मतलब उन्होंने खुद का इतना वो एस्टेब्लिश किया, कैसे ब्रांडिंग बनाए, सब कुछ तो बहुत अच्छा लगा सर। अपने आप को अप टू डेट रखना सबसे बड़ी बात है, ये टाइम है अपने आप को अप टू डेट रखने का बहुत बढ़िया मौका है, अपने आप का जो नॉलेज है उसको बढ़ाने का बढ़िया मौका है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का बढ़िया तरीका है, जो जो सोशल मीडिया का है, गूगल सर्वे फॉर्म मुझे सबसे अच्छा लगा उसमें, पहले फिजिकल होता था अब ऑनलाइन। और तीसरा जैसे आपने आइडिया दिया था सर कि भाई जब सारे ट्रेनर पैसे कमा रहे हैं बैठे बैठे पैसे मंगा रहे हैं तो हम क्यों नहीं। और सबसे बड़ी बात है सर कि हमारा फोकस होना चाहिए एक्टिविटी के ऊपर ना कि रिजल्ट के ऊपर, रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा, हम सबसे पहले यही फोकस करते हैं रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, पॉलिसी जबकि हमारा फोकस होना चाहिए सर कि इतनी कॉल करनी है कुछ भी हो, इतने गूगल सर्वे फॉर्म भरने हैं कुछ भी हो। हमें जीवन के हर क्षेत्र में टारगेट बनाने पड़ेंगे, चाहे लॉकडाउन चले चाहे लॉकडाउन ना चले, चाहे कोरोना जितना मर्जी फैले, हमें हम कोरोना के एरिया में अपना टारगेट बना सकते हैं ना। कोरोना में हमको कितने लोगों की हेल्प करनी है, हमें कितने लोगों को हॉस्पिटल बचाने हैं, हम वो भी टारगेट बना सकते हैं। टारगेट को कुछ भी बना सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि टारगेट सिर्फ इंश्योरेंस का बनाना, लोगों का हेल्प करने का टारगेट भी बना सकते हैं। ठीक है, हम वैक्सीनेशन का टारगेट हमारे जानकारी में कितने लोग हैं, हमारे जितने कस्टमर हैं जितने पड़ोस में सबका वैक्सीनेशन हम करा डालेंगे, हम उसका टारगेट बना सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी ना कि सारा सारा टारगेट सारा वैक्सीन से रिलेटेड ही बनाना, हम हेल्थ का टारगेट बना सकते हैं। डेली सुबह मुझे कितने बजे मॉर्निंग वॉक से निकलना ही निकलना, ऐसा कुछ हम टारगेट बना सकते हैं। मैं सुबह से लेकर अभी तक 2 किलोमीटर चल चुका हूँ, हम ऐसा वॉकिंग का टारगेट बना सकते हैं, रोजाना मेरे को 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, मतलब कुछ ना कुछ टारगेट बना सकते हैं, कुछ ना कुछ कोई भी टारगेट बना सकते हैं। हमें जिंदगी के हर एक एरिया के अंदर कुछ ना कुछ टारगेट तो हमारा होना ही चाहिए। माइक आपको ऑन करना पड़ेगा, आपको माइक अपना ऑन करना पड़ेगा, आप माइक ऑन करेंगे तो बोल पाएंगे। हो गया अभी? ठीक है, जी हाँ, हो गया बिल्कुल हो गया। जी बस घर में दो पेशेंट है इसलिए जरा मैं टाइम दे नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है टेलीफोन से लोगों से कनेक्ट करूं और लोगों को अवेयर करूं। तो आप लोगों के दिमाग की बात है, कोई बुलाता है कोई नहीं बुलाता, बाकी कोशिश मेरी आज संडे की है। कोई बात नहीं, हमारा कोशिश करना काम है, अच्छी बात है। अच्छा, हम तो अपनी तरफ से ठीक है, लेकिन हम तो अपनी तरफ से ठीक है और सामने वाले को अच्छी बात बताते हैं, लेकिन सामने वाला उसको किस दिमाग से लेता है ये एक बात अलग है। जी सिर्फ थोड़ी सी बात ही रहती है, लेकिन बाकी देखो